भैया थान अभावी ने छात्रों के समस्या को लेकर महाविद्यालय में किया आंदोलन। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं G7 न्यूज। आपको बता दें कि सत्र 2022-23 में BSc द्वितीय एवं BSc तृतीय वर्ष रेगुलर प्रवेश लिया गया, जिसमें निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया। वहीं छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के समय उन्हें प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए कहा गया। वहीं उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया और कहा गया कि विश्वविद्यालय में जाकर के आप लोग का रेगुलर प्रवेश करा दिया जाएगा। जब छात्रों को ज्ञात हुआ कि हमारा रेगुलर प्रवेश नहीं हुआ है, तब आवेदक के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन से बात की गई, जिस पर मौखिक रूप से आश्वासन दे दिया गया कि आप लोग का रेगुलर में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाएगा। और आज तक महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भैयाथान एवं छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन करते हुए कलेक्टर के नाम पर भैयाथान के तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से कोरिया के विभाग संयोजक नीलेश नाविक, सूरजपुर जिला के जिला संयोजक अंकुर पटेल, नितिन कुशवाहा, रोहित ठाकुर, अंकित पटेल, देवेंद्र राजवाड़े, दिनेश यादव, अंकित कुशवाहा, सागर टोप्पो, शिवम गुज्जर, महेंद्र रामलखन, ललिता राजवाड़े, नेहा सिंह, अंजना कुशवाहा, प्रियंका कुशवाहा, देवन बाई, सुषमा, अंजू, पूर्णिमा, गायत्री, विद्या, अमीषा एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। G7 न्यूज सूरजपुर, संवाददाता गुरजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ, छात्र ऐसा बता रहे हैं लगातार कि हमारा फीस 1100 था और हमसे 1500 लिया गया है, कोई बता रहा है 1800 लिया गया है, कई लोगों का रेगुलर भी हो गया है, उन लोग भी बता रहे हैं मेरे से 500 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है। हाँ, सामने आया है, छात्रों का विषय सामने आया है। हाँ, शिक्षा विभाग को धूमिल किया जा रहा है और व्यापारीकरण कुल मिलाकर के यहाँ पर यहाँ दुकान खोल करके बैठे हैं। डॉक्यूमेंट कभी भी छात्र को ऑनलाइन कराना होता है तो मार्केट से ऑनलाइन करा करके आता है और महाविद्यालय में फॉर्म सबमिट करता है, जबकि इन लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा करके यहीं पर दुकान खोल करके स्वयं ऑनलाइन किया है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम अंकुर पटेल है, मैं सूरजपुर जिले का जिला संयोजक हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। कॉलेज के छात्र छात्राओं की मांगों पर आज ज्ञापन दिए हैं और इसमें आप क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानते हैं? सर, इसमें पूरा देखा जाए। सबसे पहले आप सर अपना नाम बताइएगा और किस पोस्ट पे हैं, क्या है? मैं CB मिश्रा, यहाँ भैयाथान महाविद्यालय में वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य के तौर पर पदस्थ हूँ। आज क्या मामला है, बच्चे लोग लेके आज ज्ञापन दिए हैं, आंदोलन में लगे हुए, चक्का जाम क्या अभी बोला गया है जी, क्या मामला है? जैसा कि मेरे अभी संज्ञान में आया, कुछ छात्र छात्राओं ने नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और महाविद्यालय के द्वारा उन्हें नियमित प्रवेश दिया भी गया, लेकिन बाद में उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फॉर्म भरना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है, पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी मुझे। और जैसा कि मेरी जानकारी में है, बीच में महाविद्यालय की सीट में वृद्धि की गई थी, शासन के द्वारा शासन स्तर पर वृद्धि की गई थी, उस अनुरूप BSc प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाना था, लेकिन उस समय में कोई नियमित प्राचार्य तो यहाँ था नहीं, तो हो सकता है त्रुटिवश कार्यालय से ऐसी गलती हुई हो और कुछ अधिक छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है, ऐसा संभवतः अभी वर्तमान में जानकारी में है मुझे, बाकी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है सर, जैसे फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं जी, बाकी सेकेंड ईयर और फाइनल में जी, तो फर्स्ट ईयर की जो सीट के हिसाब से ही एडमिशन होता है जी, तो उसके हिसाब से जब एडमिशन जितना सीट था उसके हिसाब से किया गया, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिक एडमिशन बच्चे का हुआ है और इसमें कुछ टीचर्स अधिक पैसा भी लिए हैं, इसके मामले में क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा अभी कि जब सीट वृद्धि होती है तो सामान्य तौर पर वो पहले प्रथम वर्ष के लिए ही लागू होती है और वो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए आगामी वर्षों में लागू होती है,
तो इस अनुरूप किया जाना चाहिए था, किंतु मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उस समय में क्या है, महाविद्यालय में कोई नियमित प्राचार्य नहीं थे और हो सकता है कम अनुभव के कारण या जैसा भी है कुछ अज्ञानतावश ये भूल हुई हो और जो सीट वृद्धि हुई उसे केवल प्रथम वर्ष के लिए ना मानते हुए द्वितीय और तृतीय वर्ष को मानकर ऐसा दे दिया गया हो। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं और जैसे ही छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया तो हम छात्र हित के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुलसचिव महोदय से बात करके और उन्हें एक पत्र भी हम प्रेषित कर रहे हैं कि छात्र हित में निर्णय लेते